नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला थाना सचिंडी के अंतर्गत सेंट्रल बैंक के प्राथमिक स्कूल के निकट किराए के मकान में रह रही हॉस्पिटल संचालिका प्रीति काल्पनिक नाम हॉस्पिटल संचालिका प्रीति का सचिंडी थाने के सामने हॉस्पिटल है। प्रीति की मां राजकुमारी ने आरोप लगाया कि पुत्री की शादी परिवार की रजामंदी से संदीप से तय हुई। संदीप ने मानसी के साथ मिलकर MH हॉस्पिटल जो कि सचिंडी थाने के निकट रोजगार हेतु शुरू किया गया। इस बात की भनक जब बेटी प्रीति के साथ कार्य करने वाले मनीष गुप्ता को लगी तो मनीष ने पुत्री प्रीति को नशीला इंजेक्शन का सेवन कराया, जैसे पुत्र की हालत लगातार बिगड़ती गई और दामाद संदीप को भी जान से मारने के लिए नशीला पदार्थ दे दिया। पुत्र की हालत बिगड़ने पर कानपुर के चुन्नीगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन दो दिन बाद ही साथ में काम करने वाले मनीष दबाव बनाकर हॉस्पिटल से लेकर चले गए और मेरी बेटी प्रीति का अभी तक कोई पता भी नहीं चला था, ना ही सचिंडी थाने में प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस अभी तक मेरी पुत्री का कोई सुराग भी नहीं लगा पाई है और मैं थाने के डेली चक्कर लगा रही हूँ। क्या नाम है आपका? राजकुमारी जी, क्या मामला हुआ आपको थाना सचिंडी को आना पड़ा? मेरी लड़की मानसी है, मनीष गुप्ता है, अस्पताल पर रहे थे दोनों लोग। मेरी मानसी को पता नहीं क्या कर दिया इसने, नशे की दवा दे देकर उसको सुला करके उसको ऐसी हालत में कर दिया। फिर इसके बाद मेरे यहाँ फोन किया तो मैंने चुन्नीगंज में भर्ती किया स्मार्ट हॉस्पिटल में। वहाँ दो दिन उसको रहना मुश्किल कर दिया। मेरी लड़की को फोन कर करके उसने फिर शाम को गाड़ी ले गया और हम पर दबाव डला के मेरी लड़की को चरपैया में डाल के ले आया अपने अस्पताल अकबरपुर माती में स्टार हॉस्पिटल में। हम लोगों को कोई नहीं सूचना नहीं लगी। मेरा बच्चा पैसा लेने चले गया और मेरा कोई नहीं था, अपना मेरी लड़की को लेके चला आया। आपको जानकारी है आपकी बेटी इसमें कहाँ है, जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है। फिर इसके बाद में फिर आई, एक ही बाद में फिर उसने लिवा गए। अब धमकी दे रहा है कि हम तुमको फंसा देंगे, धमकी दे रहा है मनीष गुप्ता दे रहे थे। फिर इसके बाद में लड़की एक दिन रखी हमने, फिर दोबारा फोन करके फिर बुला लिया लड़की को। अब कल उसने बुला करके लापता कर दिया मेरी लड़की, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। क्या करता मनीष गुप्ता? ही ये डॉक्टर है। कहाँ रहता है ये? अकबरपुर में रहता है। हम आती में अस्पताल किए हैं, बस चेली में अस्पताल किए हैं। अब मेरी लड़की पटना शिफ्ट में करती रही है, पहले इसके अस्पताल में ड्यूटी करी है एक साल, इसके बाद में अपना पटना शिफ्ट में कर लिया। फिर वहाँ से हमारे साथ पटना शिफ्ट में कर साल पर मैं सतीली में अस्पताल चलाया। इसने मानसी ने शादी करने को कहा हमने, तो बोली ठीक है मम्मी हम शादी करेंगे। तो अपनी मन पसंद अपना लड़का पसंद किया और इसके बाद में लड़का को फंसा दिया, उसने अस्पताल चला दिया कि चलो हम दोनों आदमी अस्पताल चलाएंगे। जब अस्पताल चलाने लगी तो मनीष गुप्ता को खबर लगी कि ये अस्पताल डाल लिया, तो मनीष गुप्ता को ये खबर सुनने में उसको बहुत बुरा लगा, तो उसने अस्पताल डालने पर उसको जाना भी कर दिया मेरी लड़की। तो को। इस मामले की जानकारी आपने थाना सचिनी में दिया लिखित प्रार्थना पत्र में? अभी हमने नहीं दिया है, अभी नहीं दिया, अभी दिया था आज दिया है। तो उसने ये बोला है कि हमने ये हम सब कुछ सुन लिया है आपका, कोई बात किसने बोली जब थाने एप्लीकेशन देने गई है? अब हम ये तो पहचानते नहीं है, वो सांवले सांवले है, चेचक के दाग है मुँह में। अब पहली बार हमारे ऊपर ये पड़ा है, हमको मालूम नहीं कि कौन है सर में कौन नहीं। तो क्या बोला गया थाने में आपने एप्लीकेशन दिया है? ये कह रहे हमको सब मालूम, हमको ना बताओ, घर में घुसेरी रहती हो। फिर बाद में कहते मेरी लड़की ना पता है, तो जब वो पार्टनर शिफ्ट में काम कर रही है, कौन सी नई लड़की कर रही है, ड्यूटी करके खाना खा रही है। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? हमारी लड़की हमको मिलनी चाहिए, इसी हालत में थी उसी हालत में हमको लड़की मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? खड़े के बाद क्या मामला है? मेरी शादी होने वाली थी, उसमें मनीष गुप्ता ने शादी से मुझे मारने की धमकी दी थी। उससे शादी होने वाली थी? मानसी से। इस मामले में शादी रखी थी बताएं? मारने की प्लानिंग में। तो किस लिए मारने में? मैं दोनों लोग पार्टनर से हम शादी होने वाली है तो मैंने हॉस्पिटल डाला। किसके साथ हॉस्पिटल डाला आपने? मानसी के साथ। मानसी बोलने लिए एक साथ में साथ में रहेंगे। मनीष को बहुत गलत वो लगी, गलत बात लगी। मिला जुला